उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में टिहरी गढ़वाल जिले के गोतू पंजिया और दीवलिंग क्षेत्रों में हुई भीषण बादल फटने और भारी बारिश से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। इस प्राकृतिक आपदा ने क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई है, जिसके परिणाम स्वरूप कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कृषि भूमि बर्बाद हुई है और संपर्क मार्ग भी बाधित हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने सभी प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद प्रदान करेगी। धामी ने कहा, हमने जिला अधिकारी व जिला प्रशासन से कहा है कि वे उन सभी अन्य गांवों का आकलन करें जहां ऐसी आपदा की संभावना है और जो लोग आपदा से पीड़ित हैं या प्रभावित हैं उन्हें तत्काल मदद दी जानी चाहिए। जिलाधिकारी को जिला प्रशासन को कहा है कि जो अन्य भी जो गांव जहां पर भी इस प्रकार की संभावना या जिस प्रकार की आपदा की संभावना है उन सभी स्थानों का आकलन कर लें और किन कारणों से ये आपदा आ रही है ये भी जरूर देख लें और जो आपदा से पीड़ित हैं या आपदा से प्रभावित हैं उनसे तत्काल सहायता करी जाए और जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं आपदा से प्रभावित होने के कारण से जो नुकसान हुआ है उसको तत्काल किया जाएगा। उसमें कहीं पर भी किसी भी स्तर पर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा प्रयास होगा कि कम से कम जो है जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को जल्दी से जल्दी जो है पुनर्निर्माण किया जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य तुरंत किए जाएंगे। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई की जाए।